हाय गाइस, डीबीएस वॉरियर साइड से। तो आज हम कवर करने वाले हैं जिरेन वर्सेस बॉली के फैन मंगा पार्ट 8 को। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नहीं देखा है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है एंड हमें इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू की बातें सुनकर ब्रोली को अपना पास्ट का सीन याद आता है, जब ब्रोली गोकू के साथ प्लैनेट वेम्पा पर ट्रेनिंग कर रहा था। गोकू अपने सुपर सैन ब्लू फॉर्म में दिख रहा होता है। तब हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, फिर दोनों का पंचस आपस में टकराता है। दोनों के पंच के फोर्स से प्लैनेट वेम्पा हिलने डुलने लगता है। इसके बाद ब्रोली रेज में आने लगता है और अपना कंट्रोल खोने लगता है, और गोकू ये देखकर कुछ सोचता है और ब्रोली गोकू पर दो पंचस फायर करता है, लेकिन गोकू ब्रोली के पंचस से बच जाता है। ब्रोली को शांत करने के लिए गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है और ब्रोली गोकू पर फिर से एक पंच फायर करता है, और तभी ब्रोली को कुछ महसूस होता है। गोकू ब्रोली के कंधे पर एक हाथ से मारता है और तभी ब्रोली अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। दर्द की वजह से ब्रोली के आंखों से आंसू निकलने लगता है। उसके बाद गोकू ब्रोली के पास जाता है और एक स्माइल करके ब्रोली को अपना हाथ देता है, और ब्रोली स्माइल करते हुए गोकू के हाथ को पकड़ता है और उठता है। उसके बाद गोकू कहता है, ब्रोली तुम्हारा इंप्रूवमेंट काफ़ी कमाल का है। ब्रोली थोड़ा सैड होता है और कहता है, केकरोड आखिर मैं तुम्हारी तरह कैसे बनूं? मैं उस ताकत को कब यूज़ कर पाऊंगा? उसके बाद गोकू कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो सुपर सैन और उसके गुस्से के बारे में। सुपर सैन ब्लू बनने के लिए अपनी की को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अपनी सारी पावर्स को जगह पर रखना पड़ता है। अगर तुम सुपर सैन गॉड बनने में कामयाब हो गए तो सुपर सैन ब्लू फॉर्म को भी पा सकते हो। सुपर सैन गॉड की पावर्स को सुपर सैन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैच करना होता है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अपने इमोशंस और फिजिकल स्ट्रेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो सुपर सैन ब्लू बनना मुश्किल है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि बैटल में खुद पर कंट्रोल रखना और शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ें तुम्हें कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होता है। गोकू कहता है कि मैंने शायद ये सब चीज़ें मास्टर कर लिया है, और गोकू सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि क्योंकि मैं एक गॉड नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी ब्लू की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर होल्ड करूँ, और ये सब एनर्जी मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन ये सब काफ़ी लंबे समय बाद होगा। ब्रोली गोकू की बात को ध्यान से सुन रहा होता है, और गोकू कहता है कि शायद मैं एक दिन इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि ये सब एनर्जी मैं आसानी से कंटेन कर सकूं। उसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद ब्रोली कहता है कि वो कौन सा फॉर्म था जो तुमने अभी यूज़ किया। उसके बाद गोकू कहता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था। उसके बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को यूज़ करता है और कहता है कि मैंने अपने कुछ साल एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह बिताया हूँ, दूसरे फाइटर्स के साथ लड़कर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जब तक मेरा बॉडी फाइटिंग मशीन नहीं बन गया, जब मैं फर्स्ट टाइम लॉर्ड बीरस से मिला तो फाइट के दौरान मेरा बॉडी फर्स्ट टाइम खुद से मूव हुआ था, लेकिन जब मैं अपने इमोशंस एंड अपने थॉट्स को बंद कर देता हूँ तो तब मेरा बॉडी टेक ओवर कर लेता है और बैटल के दौरान सब एक्शन खुद से होता है। ये सब मुमकिन हो पाया है मार्शल आर्ट्स की वजह से, और यही सब मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेक्निक मेरे लिए अब तक का सबसे हार्डेस्ट टेक्निक है जो कि मैंने सीखा है, लेकिन ये सब अल्टीमेट टूल है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए। ये टेक्निक सुपर सैन के अपोजिट है। सुपर सैन में हम अपने इमोशंस को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। इसके बाद ब्रोली कहता है कि मैं ये सब कब कर पाऊंगा। उसके बाद गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में आता है और कहता है कि पहले तो तुम अपने मासिव एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करना सीखो, अगर तुमने ये कर दिखाया तो शायद तुम्हें इस टेक्निक की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ब्रोली कहता है कि ठीक है। उसके बाद गोकू कहता है कि क्या तुम्हें सेंजू बीन की ज़रूरत नहीं है? ब्रोली कहता है कि नहीं, उसका यूज़ मैं किसी और दिन कर लूँगा। उसके बाद हम ब्रोली को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। चिलाई ब्रोली के लिए एक सेंजू बीन अपने पॉकेट से निकालती है और सोचने लगती है कि आखिर ब्रोली को ये सेंजू बीन कैसे दूँ। ग्रैंड प्रीस्ट चिलाई के हाथों में सेंजू बीन देख लेते हैं। क्या वो सेंजू बीन तुम ब्रोली को देना चाहती हो? इट्स ओके, हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मैजिक से चिलाई को ब्रोली के पास भेज देते हैं। उसके बाद चिलाई ब्रोली की हालत को देखकर कहती है कि मुझसे बात करो ब्रोली, क्या तुम बोल सकते हो? ब्रोली थोड़ा शर्माता है। उसके बाद चिलाई उस सेंजू बीन को अपने मुँह में लेती है और वो सेंजू बीन ब्रोली के मुँह में डाल देती है। गोकू ये सब दूर से देखता है। जिरेन ये सब देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे ही ब्रोली हिल होता है उसका बॉडी चमकने लगता है। ब्रोली के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रहा होता है जो कि हर जगह फैल जाता है। रोशनी कम होने के बाद चिलाई ब्रोली को देखती है। ब्रोली के बाल चेंज हो चुके होते हैं और उसका चेस्ट चमक रहा होता है, और इस चैप्टर की एंडिंग यहीं पर हो जाता है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्रोली ने एनर्जी को एक जगह पर स्टोर करना सीख लिया है और खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कि गोकू ने उसे करने के लिए कहा था। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी कवर कर लूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।